रविवार 19 दिसंबर को ठाणे मनपा का मोबरा कौसा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, सभी शहरवासी उठाएं इसका फायदा, हिंदुस्तानी रिपोर्टर समेत उलमाओं की अपील। कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 19 दिसंबर रविवार के दिन मुमरा कौसा में सभी प्रभागों में ठाणे मनपा की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव रखा गया है। 50 से 60 के करीब टीमें आएगी और जिन जिन लोगों ने अब तक पहला डोज नहीं लिया है वो सभी कोरोना का पहला डोज इस वैक्सीनेशन ड्राइव में लगा सकते हैं। इसकी वजह है कि ठाणे मनपा में अनुपात अगर देखा जाए कोविड टीकाकरण का तो वो सबसे ज्यादा कम है बुमरा कौसा का, और इसमें खासकर महिलाएं जो टीका लेने में अब तक जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण के चलते हिचकिचा रही है, डर रही है, तो ये महिलाओं का अनुपात भी बढ़ाना है। तो मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से आप तमाम बुमरा कौसा वासियों से अपील करता हूं कि मनपा के इस वैक्सीनेशन कैंप का फायदा उठाएं, और अब तक अगर आपने कोविड वैक्सीन नहीं लिया है तो आप इसे जरूर लें। महिलाओं से मेरा कहना है कि आपके पति, आपके घर के मर्द जो है वो कामकाज के लिए बाहर निकल जाते हैं, मगर बच्चों को स्कूल पहुंचाना, स्कूल से ले आना, मनपा के टैक्सेस कार्यालय में, बिजली विभाग में, पुलिस स्टेशन में, अन्य कई जगहों पर आप ही को जाना होता है, बाजार लेने भी आप ही जाती हैं, तो आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा है। कोविड का ये डोज अगर आप ले लेते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और इसके अलावा अब तक जिन लोगों ने कोविड का ये टीका नहीं लगवाया है, पहला टीका, उसके 3 महीने बाद दूसरा टीका लगेगा, तो ये पहला टीका लें, और मुमरा कौसा में कोविड का टीका लेने में लोगों में कोई खौफ नहीं है, किसी तरह की कोई भ्रांतियां फैली भी नहीं है, अफवाहों पर मुमरा कौसा के लोग यकीन नहीं करते, इस बात को साबित करें। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मुमरा कौसा के कुछ उलमाओं ने भी आपसे अपील की है, देखिए इन उलमाओं ने क्या अपील की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं क़ारी मोहम्मद सज्जाद, खतीब व इमाम, गरीब नवाज मस्जिद मुमरा। मुझे कहना यह है कि ये वैक्सीनेशन के ताल्लुक से जो ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा है ये एक तरह से फ़ायदेमंद है। हर एक को वैक्सीन लगाना चाहिए, लगवाना चाहिए, इसलिए कि इससे पहले मैं भी सोच रहा था कि वैक्सीन पता नहीं इसकी क्या ख़राबी सामने आएगी, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों डोज लगवा लिया है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है, अपील है कि वो वैक्सीनेशन करवा लें, वैक्सीन लगवा लें, इसलिए कि आगे चल के हो सकता है परेशानी आ सकती है। इसलिए कि अभी ट्रेन में आप टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, ट्रेन, लोकल ट्रेन में सफ़र करने के लिए, तो आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। आगे चल के हो सकता है बस में भी आपको सफ़र करने के लिए ये रुकावट पैदा हो सकती है कि जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बस में भी आपको सफ़र करने नहीं दिया जाएगा। और बाकी सरकारी दफातर में भी आपके काम जो है रुक सकते हैं, काम में रुकावट आ सकती है, इसलिए इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। लिहाजा तमाम लोगों से अपील है कि वो वैक्सीन लगवाएं बिला खौफ व ख़तर। ख़ास तौर से ख़वातीन हजरात से गुजारिश है कि वो बहुत कम तादाद में वैक्सीन लगवा रही हैं, लिहाजा डरने की कोई बात नहीं है। ख़वातीन से गुजारिश है कि वो भी वैक्सीन लगवाएं और मुकम्मल तौर से जो है इसका पालन करें, और आगे जो भी आपके स्कूल वगैरह सरकारी दफातर में काम आपके इसकी वजह से न रुके, इसलिए ये आप वैक्सीन लगवाएं और बिला झजक, बिला खौफ व खतर आप वैक्सीन लें। 19 दिसंबर यानी कल जो है हर मुमरा के हर इलाके में हर जगह जो है कैंप लगने वाला है, इसलिए इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, आप जाएं और वैक्सीन लगवाएं, आपका कोई वक्त इसमें ज़ाय नहीं होगा। जो भी आधा घंटा जो है आपका वक्त लगे आप इसको बर्दाश्त करके वैक्सीन लगवाएं। देखिए, मैं मौलाना अताउल्लाह कादरी, खतीब व इमाम, सुन्नी जामा मस्जिद मुमरा, ज़िला थाना, अपने तमाम कौसा और मुमरा के बाशिंदगान से, रहवासियों से, यहाँ कयाम करने वाले रहने वाले लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीन जिसका लेना इस वबा के दफा के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और इसकी बेदारी के लिए तंजीमें, वर्कर्स,
اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کوسا ممرا کے ہر ہر گلی اور کوچوں اور شاہراہوں پر ویکسین لگانے کا انتظام و اہتمام کیا گیا ہے، اس سے لگانے سے لگوانے والوں کو فائدہ ہی ہوگا، اور میری گزارش ہے کہ جو لوگ ابھی تک ویکسین نہیں لیے ہیں وہ جلد سے جلد لے لیں۔ خاص طور سے اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرف توجہ دیں اور ویکسین لے لیں، تاکہ اس کرونا جیسی وبا مرض اور بیماری سے گھر کے تمام افراد محفوظ رہ سکیں۔ جو لوگ اس سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لگوانے سے کچھ نہ کچھ غلط ہو جائے گا، ایسی افواہ ہے۔ اس افواہ پر دھیان نہ دیا جائے بلکہ لگوائیں۔ الحمدللہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ دونوں ڈوز یہی کوسا ممرا میں لے چکے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ لگوانے سے ہمارا کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ خاص طور سے 19 دسمبر بروز اعتبار کو کوسا ممرا میں خاص اہتمام ویکسین لگانے کا کیا گیا ہے۔ کوشش کر کے ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، بلکہ ویکسین لگوانے کے لیے آپ اپنے وقت کی تھوڑی قربانی دیتے ہوئے اس دفتر یا جگہ پر پہنچیں جہاں اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ ماں بہنیں اور گھر کے دیگر افراد لگوانے کی بھرپور کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک سے اس کرونا جیسی وبا و بیماری کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم فرما دے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔